चलो गाइस, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है एक नए ब्रांड ब्लॉग में। और ये रही मेरी मम्मी जी। तो आज है नहा खा और मम्मी लोग तो सुबह 5 बजे जाके नहा भी आए। हम लोग का पास में गंगा है, सो वहाँ पे जाके नहा भी आए। मुझे बोले थे जाने के लिए, मैं सोचा वीडियो बनाऊंगा, सो बैटरी नहीं था तो मैं गया नहीं, पापा और मम्मी गए। वो लोग सुबह सुबह 5 बजे जाके नहा भी आए। और आज अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने परसों के लिए। परसों खरना है, कल है, कल खरना है। सो हम लोग जा रहे हैं कल खरना के लिए शॉपिंग करने। सो गाइज, हम चलते हैं अब शॉपिंग करने। सो मैं आप लोग को मिलता हूँ अब बाइक में। सो मिलते हैं बाइक में और चलते हैं आज शॉपिंग करने। देखते हैं गांव में आज, मतलब मैं पहली बार गांव में आया हूँ छठ पूजा सेलिब्रेट करने। इस बार मम्मी ने जबरदस्ती मुझे बुलाया है, क्यों हर एक साल तो आता नहीं है, इस बार आ छठ पूजा मनाएंगे सब साथ में। तो चलते चलते शॉपिंग करते हैं। सो लेट्स गो गाइज। तो हम लोग निकल चुके घर से और ये मेरा गांव है। अभी धान लगा हुआ है, कटने का टाइम हो चुका है, लेकिन मैं भी जब पिछले बार आया था तो धान रोप के गया था। और हम लोग का उधर से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, वही 10 मिनट का रास्ता है। सो मैं मम्मी के साथ खाना का शॉपिंग करने आया हुआ और आप सभी को भी मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी छठ पूजा। सो हम लोग पहुँच चुके मार्केट। सो बाइक कहीं पे लगाएंगे और उसके बाद करेंगे खरना का शॉपिंग। तो मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। सब लोग आ चुके हैं मार्केट और मम्मी यहाँ पे गुड़ देख रही है। सो गाइस, मैं आप लोग आज दिखाऊंगा मेरा गांव में छठ पूजा का हाट कैसे लगता है। तो आज छठ पूजा का हाट है। सो मम्मी खरना के लिए कुछ सामान लेने आई है। सो मैं आप लोग को यहाँ का हाट दिखाता हूँ कि छठ पूजा का हाट कैसे लगता है। तो पूरा है, सिर्फ केला है। ये सब केला है, केला रखा हुआ है। उतना भीड़ नहीं है, कल से बहुत भीड़ होगा छठ पूजा के लिए। आज तो सिर्फ खरना के लिए सब शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं और मेरा सिस्टर का एक कुछ कपड़ा लेना है, तो वहाँ पे चलते हैं। सो हम लोग मार्केट से तो अब निकल रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि मम्मी मेरे सिस्टर के लिए कुछ ले रही है। सो खरना का शॉपिंग हो गया और मम्मी ने सिस्टर के लिए भी कुछ लिया है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिया है। सो हो गया शॉपिंग, अब निकलते हैं घर के लिए। सो मम्मी कहीं गई है तो अब निकलते हैं। सो गाइस, खरना का शॉपिंग हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे घर के लिए। So, हम लोग आ चुके घर और ये रहा डॉली डॉली। और गाइस, मेरे घर से देखिए नजारा, और पूरा धान लगा हुआ है और पक भी चुका है, वहां पे तो कट भी गया है। नेक्स्ट डे। तो जी, ये है नेक्स्ट डे और आज है खरना। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी करना, खरना की ढेर सारा शुभकामना आप सभी को। मेरे घर में खरना कैसे सेलिब्रेट होता है मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और मैं अभी जस्ट नहा धोवा के रेडी हुआ हूँ क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रहा था,
और यहाँ पे मेरा एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं चल रहा था, सो अपलोड में बहुत दिक्कत हो रहा था, सो इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। और मैं अभी जस्ट नहा धोवा के रेडी हो गया हूँ, और अब चलते हैं नीचे, मम्मी तो पूजा कर रही है, सो चलते हैं नीचे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारे यहाँ खरना कैसे सेलिब्रेट होता है। सो चलिए चलते, मैं चले चलता आप लोगों को नीचे। यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है खरना का। सुबह से कुछ नहीं खाई और आज उनका व्रत टूटेगा, आज अब जाके कुछ खाएंगे। सो पूजा खत्म हो गया, होम सब कर लिया और मम्मी अब जाके खाएंगे। तो ये खाइए आप, अब सुबह से भूखे हैं। हम लोग आए यहाँ पे चॉकलेट बम फोड़ने। सो गाइस ये खरना का प्रसाद, इसमें केला, एप्पल, रोटी और गुड़ का खीर है जो आज स्पेशली बनता है, गुड़ का खीर। सब खाते हैं प्रसाद। सो गाइस ये है खीर गुड़ का, और ये सिर्फ छठ पूजा में खाने को मिलता है, और मम्मी ने बहुत टेस्टी बनाया है खीर। तो अब खाते हैं और मैं आप लोग को खाना खा के मिलता हूँ। सो गाइस मैं मस्त खा पी के आ चुका हूँ, और सच में वो जो मम्मी ने खीर बनाया था गुड़ का, वो बहुत टेस्टी हो रहा था, क्योंकि वो मम्मी ने चूल्हे में बनाया है, बहुत टेस्टी हो रहा था, और ये सिर्फ छठ पूजा में खाने को मिलता है। तो मस्त खा लिया मैंने, तो दो दो कटोरा खाया, और मैं मस्त खा पी के आ चुका हूँ, और अब करूँगा एडिटिंग और इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड, क्योंकि मुझे कल भी ब्लॉग शूट करना है। कल छठ पूजा है, आज खरना है, तो कल छठ पूजा है, कल शाम वाला है और परसों सुबह वाला। सो कल भी मुझे ब्लॉग बनाना है, सो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करता हूँ एंड। होप आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करेगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक बी सेफ, राइट सेफ, बाय।